Assalamualaikum everyone, welcome to the another vlog of mine. कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो आज हम आ गए निज़ामुद्दीन. अरे नहीं, मतलब दरगाह. वैसे हम निज़ामुद्दीन आते हैं तो दरगाह जाने के लिए आते हैं, बट आज हम कहीं और जाने के लिए आए हैं. मतलब आज हम कहीं और जा रहे हैं. तो आपने अक्सर नोटिस भी किया होगा कि जब हम इस रास्ते से जाते हैं तो निज़ामुद्दीन में एक यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो गालिब अकेडमी करके है. तो हमने भी बहुत बार नोटिस किया था और हमें बाद में भी इसके बारे में पता चला, तो हमने सोचा चलो चलते हैं इसके अंदर. सो इट्स रिटर्न की ये जो गालिब अकेडमी है ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन ने फाउंडर थे वो यहाँ के, उन्होंने ये बनवाया है. और तो स्टार्टिंग में आते ही आपको यहाँ पे कुछ किताबें मिल जाएंगी ऑफ कोर्स रिलेटेड विद गालिब. और नीचे ही एक सेमिनार हॉल है और वहाँ पे फ़िलहाल तो एक एग्जीबिशन चल रहा था. तो हमने उनसे पूछा कि ऊपर और क्या क्या है. तो फर्स्ट फ्लोर पे भी ऐसे मतलब कोई रूम नहीं है, नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट है और नीचे से सेमिनार हॉल पूरा दिखता है. और सेकेंड फ्लोर पे जब आप ऊपर जाओगे तो आपको लाइब्रेरी दिखेगी. तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ आ सकते हो, एनीवन कैन कम. ठीक है, कोई भी आ सकता है जिसे बुक पढ़नी है. और यहाँ पे ज़्यादातर बुक उर्दू में है, आप यहीं बैठ के पढ़ सकते हो, बट आप बुक बाहर नहीं लेके जा सकते हो. अगर आपको बुक पढ़नी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन उर्दू बुक स्पेशली रिलेटेड टू पोएट्री और गालिब से रिलेटेड है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहीं बैठकर लाइब्रेरी में आप बुक पढ़ सकते हो. ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी नहीं है बट बुक्स बहुत सारे हैं, तो एनीवन हु आर इंटरेस्टेड तो वो आ सकता है और यहाँ बैठ के बुक्स पढ़ सकते हैं. और यहाँ पे 1 ईयर का उर्दू डिप्लोमा कोर्स और अरेबिक डिप्लोमा कोर्स भी करवाया जाता है. तो अगर किसी को करना हो तो वो यहाँ आके उसकी और जानकारी ले सकता है और यहाँ से कर सकते हैं. और यहाँ पे ऑफिस था जो अभी फ़िलहाल इस एकेडमी को चला रहे हैं वो लोग, मतलब जो भी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए थे. और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई थी काफ़ी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी इवेंट्स होता रहता है उर्दू को लेकर और अरेबिक को लेकर काफ़ी इवेंट्स होता है. तो और उसके बाद यहाँ तो सिर्फ लाइब्रेरी था और एग्जीबिशन और इवेंट्स वगैरह होता है और पढ़ाई होती है, बट इसके साथ में ही लगकर एक थोड़ा खंडर टाइप का है, बट अंदर जाओगे तो आप काफ़ी सुंदर है. वो गालिब का वहाँ पे कब्र है तो हमने सोचा चलो वहाँ भी चलते हैं. तो स्टार्टिंग में तो ये जैसे पुराने किलों के खंडर होते हैं वैसे ही हैं. और उसके बाद एंट्री करते ही ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और काफ़ी यहाँ पे एक दो छोटे मोटे कब्र भी हैं इधर. और ये एरिया है यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है और वहाँ पे गालिब का कब्र है, तो हमने सोचा वहाँ पे भी चलते हैं और वो भी देखते हैं. तो यहाँ हमने बोला कि 2 मिनट रुक जाओ यार, जाने तो पता चले तुम लोग हमें बॉल ही मार दो और यहीं बेहोश हो जाएं हम लोग. और यहाँ पे काफ़ी बच्चे बैठे भी थे, खेल भी रहे थे और काफ़ी लोग आए भी थे देखने. तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी, वहीं हमें लाइब्रेरी से ही पता चला. तो ये पहले आपको एंट्री करते ही यहाँ पे आपको वाइट मार्बल से अंदर पूरा देखो वर्क हो रखा है और एक नहीं काफ़ी सारे यहाँ पे कब्र हैं, अलग अलग लोगों के हैं, बट यहाँ पे गालिब का नहीं है. गालिब का दूसरी साइड है, वो भी वहाँ पे भी चलेंगे. तो पहले मैंने सोचा कि यहाँ आपको दिखा दें. और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है. जो चीज़ मुझे पर्सनली पसंद आती है वो यही होती है कि कैसे वर्क हो रखा है, कैसा वहाँ का काम है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है. तो आँखों से देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था. उसके बाद हम बाहर की तरफ आ गए पीछे की साइड जाने के लिए. तो यहाँ पे भी पीछे भी काफ़ी कब्रें हैं जो उनसे मतलब उनके साथ जो रहते होंगे लोग उनके होंगे और अलग अलग लोगों के. और हम यहाँ आए तो हमें तो लगा था कि कोई नहीं है, बट पीछे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे. उसके बाद ये है जो मतलब ये जो है ये मेन उनका जो गालिब का कब्र है ये वो है. तो यहाँ पे बना रखा है इन लोगों ने और इसको भी काफ़ी अच्छे से इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हो. और इसके साथ में भी 3-4 और कब्र भी थे और वहाँ पे लिखा भी था कुछ, बट मैं उस साइड गई नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ. और ये इसके सामने का एरिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला खां गालिब जो थे उनके बारे में लिखा हुआ है.
और मतलब एरिया काफ़ी ज़्यादा ग्रैप कर रखा है यहाँ पे लोगों ने, और कम ही लोगों को इसके बारे, जहाँ तक मुझे पता है तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, और बहुत कम लोग ही यहाँ आते हैं। तो आप लोग भी आ सकते हो देखने के लिए, अगर आप यहीं कहीं आसपास में रहते हैं तो आप मस्ट विज़िट करिएगा, अच्छा प्लेस है। और यहाँ पे गालिब की एक बहुत फेमस शायरी लिखी हुई है, मुझे इनकी ये वाली शायरी मतलब याद है। तो गालिब कहते हैं कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको खोने ने, मैं ना होता तो क्या होता। काफ़ी अच्छी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और मुझे काफ़ी पसंद है ये वाली शायरी। इवन मुझे गालिब की सारी शायरी ही पसंद है और मैंने पढ़ भी रखी है। तो अच्छा लगा यहाँ विज़िट करके, क्योंकि गालिब से रिलेटेड चीज़ें हैं और मैंने पर्सनली, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि उनकी शायरियाँ बहुत पसंद है मुझे। और हमने तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराए, बहुत सारे, क्योंकि बहुत अच्छी जगह थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।